सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से मैं देश के मीडिया को हृदय की गहराइयों से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से देश के मीडिया ने एकजुट होकर भारतीय सेना की वीरता, साहस और उनकी कार्यकुशलता को लोगों के सामने रखा, उसकी सराहना की, इससे न केवल सेना का मनोबल बढ़ा है, देश की जनता में एक उत्साह के वातावरण का संचार भी हुआ है। भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान या आतंकवाद की और आतंकियों की पनाहगाह है इस बात को एक्सपोज करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। भारत सरकार की कूटनीतिक सफलताओं को भी दुनिया के सामने रखने में मीडिया ने एक हकारात्मक और महत्वपूर्ण रोल निभाया है और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में मीडिया ने जो प्रयास किया है उसका पूरी देश की जनता बहुत अच्छे से सराहना करती है। न केवल मनोबल बढ़ाया, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ जगह से अनावश्यक सवाल सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में खड़े किए गए, तब खोजी पत्रकारिता करने वाले कुछ पत्रकार मित्रों ने सरहद की उस पार की सच्चाई को भी ढूंढ निकालकर लोगों के सामने रखकर जो भ्रांति फैलाई जा रही थी उस भ्रांति से जनता को मुक्त करने का भी काम किया है और सरहद के उस पार की गतिविधियों को बहुत अच्छे से जनता के सामने रखा है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। और दूसरा मकसद है, वो बड़े दुख और वेदना के साथ मैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी घटना देश के जवानों के शौर्य, साहस और उनके प्रोफेशनलिज्म को चार चांद लगाने वाली घटना हमारी सेना ने अंजाम देने के बाद कुछ पार्टियों के द्वारा इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सवालिया निशान खड़ा करने का प्रयास किया गया। हमने बड़ी सभानतापूर्वक शुरू से इस सेना के साहस को, सेना की सफलता को राजनीति का रंग छू न पाए इसका प्रयास किया था, मगर कुछ पार्टियों ने उस पर सवाल खड़े करना शुरू किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी प्रयासों की निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये प्रयास किए हैं, इन्होंने सेना का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है, सेना की वीरता और बलिदान पर सवालिया निशान लगाया है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद बहुत सभानतापूर्वक सरकार ने इसको राजनीति के रंग से दूर रखने का प्रयास किया था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रक्षा मंत्री ने नहीं ली थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा ली गई और उनके माध्यम से ही दुनिया के सामने ये बात को रखी गई। फिर भी उस पर ये पूरी घटना को शक के दायरे में लाने वाले बयान दिए गए और मैं मानता हूं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस पे आप सवाल उठा रहे हैं, किसको शंका के दायरे में ला रहे हैं? देश की सेना ने जो वीरतापूर्ण काम किया है उसको आप शंका के दायरे में ला रहे हैं? जो अपने जान को हथेली में लेकर
अपने देश की रक्षा के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे, उनको शंका के दायरे में ला रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत निंदनीय प्रयास है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इससे दूर रहना चाहिए। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए, और केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। ये मेरे पास है, आप लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। और कल छुटपुट घटनाएं और भी हुई अन्य दलों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर कल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। किस चीज की दलाली की बात कर रहे राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं, बॉफोर्ड से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की, कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ने का मनोबल बना रहा है, एकजुट होकर लड़ने का मूड बना रहा है, सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामने करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि दलाली तो चीजों की होती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा जिसकी दलाली होती? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। मित्रों, जिन आतंकवादी संगठनों के कैंपों को सेना ने ध्वस्त किया, कांग्रेस पार्टी द्वारा जब वो सत्ता में थे तब उन्हीं के प्रतिनिधियों को निर्दोष बताने की एक बहुत बड़ी कानूनी कवायद भी की गई थी, और उसके एक्सटेंशन में ही उन्होंने सेना के मनोबल को तोड़ने का ये प्रयास किया है। 10 साल तक सेना की के जवानों की, सुरक्षा बलों की जो आवश्यकता है उनकी अनदेखी करते रहे और सिर्फ दलाली करते रहे, और आप जब सेना सभी प्रकार के साधनों से सज्ज है, सभी टेक्नोलॉजी से लैस है और अच्छे मनोबल के साथ जब सामना कर रही है, तब आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्रीमान राहुल गांधी को मोदी जी के लिए कड़ी आपत्ति हो सकती है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी, जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी, और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है।